गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट आशीष बोरा फ्रॉम बरवाज वे। आज है 7th of October, रुपी एट फ्रेश लो, डॉलर इंडेक्स बाउंस बैक, मार्केट वॉचिंग और वेटिंग फॉर NFP डेटा। डॉलर इंडेक्स आपका 110.1415 के बाद अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था। आपको याद होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसको ब्रेक करना था, लेकिन ट्रेंड लाइन के वहीं पे ये क्लोज दिया था एंड उसके बाद फॉलो थ्रू भी था नहीं। एंड इसका आउटकम क्या हुआ, आपका 5th and 6th October को अच्छा खासा बाउंस बैक किया यहाँ से, इसी सपोर्ट लेवल से। सो अभी क्या हो रहा है कि मीन्स डिफरेंट स्पीकर्स आर टॉकिंग अबाउट मच मोर हायर इंटरेस्ट रेट हाइक्स, दैट यू नो 4.25% समथिंग लाइक दैट। सो इसके लिए हम देखेंगे कि पिछले दो दिन में अच्छा खासा डॉलर इंडेक्स में उछाल आया है एंड उसका इम्प्लीकेशन हम डॉलर रुपये में भी देख रहे हैं। अभी वट नेक्स्ट, अभी हमें ये देखना है कि ये जो स्विंग हाई है इसके ऊपर ब्रेक करता है एंड फ्रेश हाई बनाता है या नहीं। व्हाई? बिकॉज मार्केट चैटर्स तो बहुत सारे होंगे, मार्केट टॉक तो बहुत सारे होंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन प्राइस में वो दिख रहा है क्या, वो हमें देखना है। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि ये न्यू हाई बनाने के बाद जो लो बनाया, अभी जो नेक्स्ट राइज दे रहा है, ये जो राइज है ये राइज आपका फ्रेश हाई को ब्रेक कर रहा है और फेल्स टू ब्रेक दिस फ्रेश हाई, ये हमें देखना है। अगर इट फेल्स टू ब्रेक द फ्रेश हाई इन सच ए सिनेरियो, एक लोअर हाई बनाएगा एंड देयर बाय देयर आफ्टर ये जो लो को तोड़ेगा, इन सच ए केस वी विल कंसीडर इट एज ए लोअर हाई लोअर लो एंड इन इन दैट सिनेरियो सॉफ्टनेस हम डॉलर इंडेक्स में देखेंगे। तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, हमें मार्केट चैटर्स को ध्यान में भी रखना है लेकिन प्राइस को भी देखना है कि ये जो स्विंग हाई है आपका 114.78 तो इसके ऊपर सस्टेन करता है और न्यू हाई बनाता है और फेल टू मेक न्यू हाई, ये हमें अभी देखना है फर्स्ट। सेकंड है कि अगर इट फेल्स टू मेक न्यू हाई इन सच ए सिनेरियो, ये आपका जो अभी लो बनाया है 110.14 के आसपास, उसके लो को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है, दीज आर द टू कंडीशंस वी नीड टू सी। उसके बाद ही हम देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है या नहीं। डॉलर रुपी में फ्रेश, डॉलर रुपी इज ए फ्रेश हाई और रुपी एज एट इन एट फ्रेश लो लेवल। कल आपका 82.32 हाई मारा है एंड अभी है 82.27। एक है आपका डॉलर इंडेक्स का फ्रेश फर्दर रेट है का जो बात चल रहा है, दूसरा वाला है आपका क्रूड ऑयल में काफी उछाल देखा गया है आपका, फ्रॉम 83 लेवल से अभी है 94 लेवल्स। देन थर्ड है आपका सम सॉर्ट ऑफ आउटफ्लोज आर देयर दैट आर हिटिंग द मार्केट, यस्टरडे कल अच्छा खासा आउटफ्लो हिट किया बाजार को। So, हमें अभी क्या देखना है, उससे पहले पिछले दो तीन सेशंस में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे कि एक नेगेटिव कैंडल बना दे एंड लो को तोड़े, लेकिन अभी उल्टा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव कैंडल हो गया। आप अगर इसको देखोगे तो एक पॉजिटिव कैंडल हो गया एंड हाई को तोड़ दिया, दैट मीन्स यहाँ पे काफी सारा स्ट्रेंथ है। यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन जोन था 82 एंड 81.15 के बीच में, उस कंसोलिडेशन जोन को ये कन्विंसिंगली ब्रेक कर चुका है। अभी सिंपल इंटरवेंशन इंस्ट्रूमेंट्स हैज विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर आरबीआई टू डिफेंड द लेवल्स। अभी और भी स्ट्रांग मेजर्स, कड़ी मेजर्स, कुछ बिग इन्फ्लोज लाने का काम करना पड़ेगा हमें carefully, RBI के intentions को, RBI के initiatives को, RBI के steps को हमें carefully follow करना है। GBP dollar आप देखोगे जैसे हमारा ये जो resistance zone था
1.1450 से 1.1650, यहाँ पे आपका 4 अक्टूबर को आया था। वहां पे ये बात हमारा 3 ऑब्जर्वेशन था, क्या ये डायरेक्टली ब्रेक करेगा, क्या ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, या क्या ये नीचे की तरफ चला जाएगा। पहला वाला निगेट हो चुका है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट देयर। सेकंड ऑप्शन में भी कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है और ये लग रहा है कि अच्छा खासा एक करेक्शंस हो रहा है, रिजेक्शंस हो रहा है फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस के बाद हमें देखना है, थोड़ा सा प्राइस एक्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा अभी इमीडिएटली, मींस लॉन्ग के लिए थोड़ा सा केयरफुल होना है, क्योंकि ये जो बैक टू बैक दो कैंडल्स बनाया हुआ है बहुत ही खतरनाक बनाया हुआ है। एंड ऊपर से आज एनएपी डेटा है, एनएपी डेटा में अगर आपका डेटा अच्छा आ गया तो बढ़िया है, अगर थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशंस आया तो फिर और फूट जाएगा, बिकॉज फिर आपका वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक का प्रोबेबिलिटीज और भी बढ़ जाएंगे। जीबीपीआईएनआर में भी हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस को छुआ 4 अक्टूबर, 5th and 6th को रेजिस्टेंस से वहां पे रेजिस्टेंस लेके फिर दूसरा जो छोटा सपोर्ट था वहां पे आके रुका, अभी ये कंसोलिडेशंस कर रहा है। हमें यहाँ पे प्राइस को ऑब्जर्व करना है। यूरो डॉलर में भी कल क्या आपका कल नहीं 4 अक्टूबर को ये मिडिल तक चला गया था एंड 5th को एक करेक्शन दिया, उसके बाद हमें देखना था कि यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ चुका है, हमें थोड़ा सा भी प्राइस को मींस ऑब्जर्व करना है। यूरो आइनर में भी आपका देखो काफी अच्छा यहाँ तक जा नहीं पाया, लेकिन नजदीक 81.30-85 से रिजेक्शन आया है। अभी हमें देखना है कि ये लेवल पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि अभी आपका ये जो लेवल है प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा वो हमें देखना है। एंड आज इवनिंग का जो एनएफपी डेटा है वो फर्दर क्लेरिफाई कर देगा। डॉलर येन में कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ करने का नहीं है, यहाँ पे काफी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन आएगा अगर कोई ट्रेड लेता है बोथ ऑन लॉन्ग साइड एज वेल एज ऑन द शॉर्ट साइड, तो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व के अलावा कुछ चारा है नहीं। येन आईएनआर में भी सिमिलरली हमें कंसोलिडेशन के बाहर निकलना पड़ेगा। डॉलर कैंडी में ये लो मारने के बाद फिर दोबारा बाउंस बैक किया है, हालांकि हमारा जो एंटिसिपेशन था इसके लो के नीचे हमारा टारगेट था आपका 1.3231, तो ये जो डाइवर्जेंस था आपका 5 बार डाइवर्जेंस। एनीवे स्टॉप लॉस यहाँ पे है, अभी हमें देखना है कि ये स्टॉप लॉस खाता है या टारगेट की तरफ आता है। ऑसी डॉलर सिमिलरली यहाँ पे 5 बार जो डाइवर्जेंस था उसको उसके हाई के ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया, रेदर यहाँ पे नीचे आ गया, तो ये आपका ट्रिगर ही हुआ नहीं है, जो ऑसी डॉलर का 5 बार डाइवर्जेंस वाला जो कॉल था वो ट्रिगर हुआ नहीं। अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, हमें अभी और एक कुछ समय के लिए इंतजार करना है रदर देन टेकिंग इनिशिएटिंग सम बिग मिस पोजीशंस एनएपी डेटा के लिए। डॉलर सीएनएच में आप यहाँ पे देखोगे 5th ऑफ अक्टूबर को ये लो मारा था आपका 7.01, उसके बाद ये यहाँ पे बाउंस बैक किया। अब देखो 4th ऑफ अक्टूबर में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया लेकिन उसके नीचे सस्टेन कर नहीं पाया, दैट बीइंग द केस सस्टेन जब कर नहीं पाया उल्टा ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अच्छा खासा एक मींस थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ 7.25 के ऊपर सस्टेन कर पाया कर गया तो बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा। आई विल शो यू ये जो आपका रेजिस्टेंस जोन है 7.25, इसके ऊपर मंथली जो चार्ट है ये राउंडिंग बॉटम बना रहा है, हालांकि सो मेनी एक्सपर्ट्स विल से करेंसीज में ये राउंडिंग बॉटम काम नहीं करता है। लेट अस कीप दैट डिस्कशन असाइड जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये राउंडिंग बॉटम के ऊपर मंथली अगर क्लोज दे देता है देन सीएनएच का जो नेक्स्ट टारगेट होगा 8.10। Just think about the impact on its dollar rupee. बहुत ही गंदा। अभी आते हैं यूके ऑयल। यूके ऑयल आपका यहाँ पे
जो रेंज शिफ्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 96। 96 के बाद हमें देखना है कि यहाँ पे ये रेस्पेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। ऑल्सो ये जो चैनल है आप देखोगे, ये जो एक डाउनवर्ड चैनल है, डाउनवर्ड चैनल का ये अपर एंड है। तो अगर ये टूट गया तो देन इन सच ए केस इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 105 to 107 के बीच में। तो ये टूटता है या नहीं, रेस्पेक्ट करता है, ये हमें देखना है कि बिकॉज यहाँ पे काफी गड़बड़ हो गया है। व्हाट इज दैट गड़बड़? दैट इज द ओपेक प्लस हैज डिसाइडेड टू कट प्रोडक्शन बाय डबल द मार्केट एंटिसिपेशंस। तो यहाँ पे काफी एंड आपका ये लेवल से, आपका 85-86 लेवल से ऊपर की तरफ चलना शुरू किया है। अभी हमें ऑब्जर्व करना है। देखो क्लियर कट एक है चैनल, ये चैनल का अपर एंड है। ये चैनल का अपर एंड में रेस्पेक्ट करके नीचे आता है या ऊपर जाता है? अगर ऊपर जाता है तो ये आपका जो 96 वाला है, 96 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर 96 के ऊपर सस्टेन करता है देन और भी ज्यादा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी से जाएगा बोल के आई एम नॉट गोइंग टू टेल। दैट इज एट टुवर्ड्स 105 और 106, 107 एंड हाफ के बीच में जाने का प्रोबेबिलिटी से, एंड अकॉर्डिंगली इसका इम्पैक्ट भी रुपी में आ सकता है। यूएस 10-year ट्रेजरी आप देखोगे यहाँ पे आपका 3 अक्टूबर को ब्रेक दिया लेकिन उसके लो के नीचे कंटिन्यू नहीं किया ऑन 4 अक्टूबर, उसके बाद बाउंस बैक किया। अभी हमें देखना है कि ये यही है जो स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई को अभी ये चैलेंज करके ऊपर ब्रेक देता है या फेल टू ब्रेक द रिसेंट स्विंग हाई। अगर ब्रेक दे देता है तो फिर फ्रेश हायर टेरिटरीज में भागना चालू करेगा, एंड अगर फेल करता है, फेल टू ब्रेक द हायर हाइज एंड उसके बाद ये जो स्विंग लो है इसको तोड़ देता है, इन सच ए सिनेरियो ये जो अपवर्ड यूफोरिया है वो मींस ठंडा ऊपर जाएगा इन सच ए सिनेरियो। सो वी नीड टू वेट फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, वी नीड टू ऑब्जर्व दैट वन, देन एंड ओनली देन वी कैन से समथिंग अबाउट दिस। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। होप ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। And in such a case, please like and share the video to your friend circle and also subscribe this channel those who have not subscribed yet. Thank you and have a good day.